हेलो दोस्तों, तो एक नई वीडियो। आज हम बात करेंगे बाबर आजम के ऊपर। तो बाबर आजम गरीब फिर एक स्कैंडल में फंस गया है और लीक्स और रूमर्स आ रहे हैं कि बाबर आजम जो है मीशा शफी को डेट कर रहे हैं। अजीब सी बात है, अजीब सी मंता के कभी बाबर आजम को सारा खान से मिलाते हैं, कभी कभी अलीज़े शाह से मिलाते हैं, कभी नीलम मुनीर से मिलाते हैं। बाबर आजम एक पब्लिक फिगर है, हम जानते हैं। बाबर आजम पॉपुलर है, पाकिस्तान वनडे T20 टेस्ट का कप्तान है, लेकिन बाबर आजम को किसी से भी मिला देते हैं। मीशा शफी ने 110% बोला है कि मेरे बाबर आजम के साथ कोई ताल्लुकात नहीं, मैं शादीशुदा खातून हूँ, मेरे दो बच्चे हैं और मैं बाबर आजम को क्यों डेट करूंगी। और बाबर आजम भी मोस्ट प्रॉब्लम मीशा शफी को नहीं जानते हो कि बाबर आजम की तरफ से तो कोई रिएक्शन देखने को नहीं, लेकिन मीशा शफी ने क्लियर कट बोल दी कि बाबर आजम को मैं डेट नहीं कर रही। हम पता नहीं हमारे लोग सोशल मीडिया पे किसी भी सेलिब्रिटी को किसी भी सेलिब्रिटी के डाल देते जस्ट व्यूज और सब्सक्राइबर्स के लिए। यार थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करो। बाबर आजम भरी के पास इतना टाइम दे दो कि अपनी फैमिली को टाइम दे और वो मीशा शफी को डेट करेगा। आर यू सीरियस? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? मीशा शफी बहुत बड़ी है, बाबर आजम अभी एक तरह से यार 25-26 सालों के, और मीशा शफी जो है 34-38 सालों की है। यार जरा थोड़ा सोचो फिर बात करो। मीशा शफी शादीशुदा है, बाबर आजम अभी क्रिकेट खेल रहे हैं, बाबर आजम ने अभी अपना करियर बिल्ड किया है। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। हर हर बंदे की पर्सनल जिंदगी, अगर बाबर आजम किसी को डेट भी कर रहे हैं तो बाबर आजम की मर्जी है। आप किसी को भी किसी के साथ मिला देते हैं। अब ये न्यूज़ आ रही थी कि बाबर आजम और मीशा शफी डेट पर, लेकिन ये रूमर्स है। मीशा शफी ने क्लियर कट बोल दी कि मैं बाबर आजम को डेट नहीं करी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।